अगर आपको वीडियो पसंद या नापसंद आए तो इसे एक लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करें। आज की मूवी का नाम है द डार्क हाउस। कहानी की शुरुआत में हम एक फॉस्टर हाउस में कुछ बच्चियों को देखते हैं जिन्हें अचानक से कोई मार देता है। इसके बाद घर के बाहर हम तीन छोटी लड़कियों को देखते हैं। इन्हें उस फॉस्टर हाउस से किसी के चीखने की आवाज आती है। जब ये बच्चे उस घर में जाके देखते हैं तो वहाँ पर कई बच्चों की डेड बॉडी पड़ी थी। वहीं दूसरे कमरे में हम एक लेडी को शॉक की हालत में देखते हैं। वो अपने हाथों को काट रही थी। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो किसी चीज से टकराकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लियर है। वो सोते हुए कोई सपना देख रही है जो डरावना था। जब वो सपने से जागती है तो अपनी कोई मेडिसिन खाती है और अपने डॉक्टर से मिलने जाती है। दरअसल क्लियर को हमेशा बुरे सपने सताते हैं क्योंकि उसका फॉस्टर हाउस से कोई कनेक्शन है। वो जब भी फॉस्टर हाउस इसका पता लगाने जाती है तो उसे घर के बाहर ही कुछ अजीब सा होने लगता है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें घर के अंदर जाना ही होगा, तभी तुम्हारे ये बुरे नाइटमेयर दूर हो सकते हैं। अगले दिन क्लियर अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो इन लोगों से कहता है कि मैं हॉरर शो बनाता हूँ और मैं फॉस्टर हाउस को डार्क हाउस बनाकर एक शो बनाने वाला हूँ। वो क्लियर और उसके दोस्तों को इसमें काम करने का ऑफर देता है। क्लियर को लगता है कि इससे अच्छा मौका फॉस्टर हाउस में जाने का उसे फिर कभी नहीं मिलेगा, तो वो इसके लिए हाँ कर देती है। अगले दिन ये सारे लोग फॉस्टर हाउस पहुँचते हैं और इस बार क्लियर को वहाँ पहुँच कर कुछ भी नहीं होता। वहाँ शो का डायरेक्टर भी था। वो अपने सारे प्रोजेक्ट और बीएफएक्स के बारे में इन लोगों को बताता है। तभी क्लियर को कुछ विजन आते हैं। तभी क्लियर एक कमरे में जाती है जहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसे आईने में मिस जेनेट का विजन आता है। क्लियर इन सबसे बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहां उसकी एक फ्रेंड तैयार होने आती है। वो जब तैयार होने को जाती है तो क्लियर को एक और विजन आता है। इसके बाद हम उस डायरेक्टर और सारे लोगों को एक हॉल में देखते हैं। वो इन लोगों को शो के बारे में समझा रहा था। इसके बाद हम डायरेक्टर के एक आदमी को देखते हैं जो सिस्टम पर काम कर रहा था। तभी उसे डिस्प्ले में जेनेट का भूत दिखता है। वो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। जब वो आदमी डिस्प्ले की तरफ बढ़ता है तब डिस्प्ले फट जाती है जिसकी वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक शो के कुछ और कैरेक्टर को देखते हैं जो शो के बीएफएक्स का इस्तेमाल करके नकली भूत बनाते हैं, मगर वो नकली भूत सच में एक आदमी को मार देता है। बाकी लोग इसे फेक डेथ समझते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद क्लियर अपने एक फ्रेंड के साथ एक दूसरे कमरे में एक दूसरे एक्ट के बारे में जानने के लिए जाती है, मगर वहाँ जेनेट का भूत एक आदमी की शक्ल में था। वो उसे एसिड से मार देता है। ये लोग उसे भी फेक समझ रहे थे। तभी वो आदमी उस एसिड को क्लियर के फ्रेंड के फेस पर फेंकता है जिसकी वजह से उसका चेहरा जल जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब क्लियर बाकी लोगों से कहती है कि ये सब रियल में हो रहा है, ये कोई एक्ट नहीं है। ये सब सुनकर एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर बीएफएक्स के भूतों से डरकर वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। क्लियर की आवाज़ सुनकर उसके कुछ फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं। वो इन सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। वो इन्हें एक फेक डेथ मान रहे थे। उधर डायरेक्टर और उसका एक साथी उस लड़की के पास पहुंचते हैं जो सीढ़ियों से गिरकर मर चुकी थी, मगर डायरेक्टर सिर्फ अपने शो के बारे में सोच रहा था। तभी हम दो और लोगों को देखते हैं। इनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को एक स्टैचू में बंद करके मार देता है। तभी क्लियर भी वहाँ पर आ जाती है। वो अब समझ चुकी थी कि जेनेट ही ये सब कुछ कर रही है। क्लियर जब जेनेट को देखती है तो उसे पैनिक अटैक आ जाता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर डायरेक्टर के पास जाते हैं और सभी मौतों के बारे में बताते हैं, मगर डायरेक्टर इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी एक आदमी इन लोगों पर अटैक करता है। उस आदमी के अंदर भी जेनेट का भूत था। वो एक ब्लैक आदमी की गर्दन उड़ा देती है। क्लियर अपने एक दोस्त के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि सारे डोर डायरेक्टर ने बंद कर दिए थे। तभी हम दो लड़कियों को देखते हैं। इनमें से एक को एक ओपन विंडो के बारे में पता था। तभी वहाँ एक घोस्ट आ जाता है और अपने मुंह से ग्रीन गैस निकालकर इन दोनों लड़कियों को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लियर अपने साथियों को बताती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो बताती है कि जब 14 साल पहले उस लेडी ने सारे बच्चों को मारा था तब वो भी यहीं पर थी, मगर उसे उस रात का कुछ भी पता नहीं है कि आगे उसके साथ क्या हुआ था। तभी इनमें से एक लड़की उस पर गुस्सा करने लगती है। डायरेक्टर इन सबको समझाता है। वो कहता है कि हमें सिस्टम का वायर काटना होगा
तभी ये लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ क्लेयर का फ्रेंड वायर काटने लगता है, मगर तभी वहाँ एक और होलोग्राम आ जाता है और क्लेयर के फ्रेंड को मार देता है, मगर मरने से पहले उसका हाथ वायर पर लगने की वजह से पूरे घर की लाइट कट हो जाती है। तभी डायरेक्टर को एक चाबी मिलती है, वो उस चाबी से दरवाजा खोलने जाता है, मगर तभी लाइट आ जाती है और एक होलोग्राम इनमें से एक लड़की को मार देता है। तभी कुछ और घोस्ट आकर डायरेक्टर को भी ले जाते हैं। क्लेयर वहाँ से भागकर बेसमेंट में आ जाती है और एक रॉड की मदद से सिस्टम को तोड़ देती है, जिसकी वजह से सारे घोस्ट होलोग्राम गायब हो जाते हैं। इसके बाद क्लेयर को सब कुछ याद आ जाता है कि वो भी इसी फॉस्टर हाउस में रहा करती थी, मगर जैनेट एक सन की औरत थी जो बच्चों पर जुल्म करती थी। इसके बाद जैनेट उसके सामने आ जाती है और वो क्लेयर को मारने की कोशिश करती है, मगर क्लेयर किसी तरह उससे बच के एक दूसरे कमरे में छुप जाती है जहां वो बचपन में छिप गई थी। वहां उसे कुछ और पुरानी बातें याद आती हैं कि जैनेट ने इन बच्चों को क्यों मारा था। दरअसल जैनेट की कुछ किताबें इन बच्चों ने जला दी थी। क्लेयर के अंदर का डर निकल चुका था, वो बाहर आकर जैनेट का सामना करती है और जैनेट की स्पीड भी वहाँ से चली जाती है। जब पुलिस वहाँ आती है तो देखती है कि क्लेयर भी शौक में चाकू को जमीन पर मार रही थी। पुलिस उसे मेंटल समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। तभी डिटेक्टिव अपने साथी को बताता है कि सब लोगों को उसी ने मारा है, मगर क्लेयर भी ये बात खुद नहीं जानती थी। और ऐसे इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद या नापसंद आया हो तो इसे एक लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ। धन्यवाद।